नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स से आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीकी का अट्यूनमेंट क्या होता है, अट्यूनमेंट जो शक्तिपात जिसको बोलते हैं क्या चीज है, किस तरह से होती है, रीकी अट्यूनमेंट के बाद क्या होता है, राइट, ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कम्फर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश। आई हैव गिवन दिस द इंग्लिश वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, रीकी का जो अट्यूनमेंट बहुत सीक्रेट सेरेमनी रहता है और इट्स लाइक कॉर्नर स्टोन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है जो पूरा हम जो रीकी सीखते हैं उसमें अट्यूनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अट्यूनमेंट में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप रेडियो का एग्जांपल ले लो, रेडियो में जैसे अगर आपको कोई चैनल सुनना है जैसे 98.3 एफएम सुनना है तो आप पहले उस रेडियो को ट्यून करते हो उस फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो उसी तरह अगर आपको रीकी को यूज करना है अपनी हीलिंग करने के लिए, सामने वाले की हीलिंग करने के लिए, तो पहले आपको चैनल बनना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपकी ट्यूनिंग होनी पड़ेगी उस आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसको उस फ्रीक्वेंसी रेकी फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून करना होगा। अदरवाइज वो ट्यून नहीं होगी तो फिर आप रेकी को रेकी से हीलिंग नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर क्या होगा, आप अगर किसी को हीलिंग करते हो तो आपकी पर्सनल एनर्जी जाती है। तो पर्सनल एनर्जी में प्रॉब्लम क्या है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सामने वाला तो हील हो गया, एकदम टकाटक ठीक हो गया और आप इलनेस, आप बीमार गिर सकते हो, ठीक है। तो वो सिचुएशन अवॉइड अगर आप करना चाहते हो तो पहले आपको रीकी का चैनल बनना पड़ेगा। और रीकी का चैनल में अट्यूनमेंट, आपका ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अट्यूनमेंट, सो रीकी में कैसे अट्यूनमेंट होता है, जो मास्टर रहता है जो लेवल 3B जो रहता है वो करने के बाद आपको जो मास्टर सिंबल रहता है वो मास्टर सिंबल से आप किसी को भी ट्यून कर सकते हो। मास्टर सिंबल जो रहता है उसमें ये पावर रहती है कि आप लाइफ टाइम के लिए किसी को भी चैनल कर सकते हो रीकी एनर्जी से। तो वो मास्टर, वो डायकोमियो जो सिंबल रहता है, मास्टर सिंबल रहता है, उस सिंबल को यूज करके आप को चैनल करता है स्टूडेंट को। नाउ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, मेरा भी ये क्वेश्चन था काफी टाइम तक कि जब मैं लेवल 1 करने से पहले कि बाकी सब जगह तो ऐसे ही अट्यूनमेंट नहीं होता, रीकी में क्यों अट्यूनमेंट होता है। इम्पोर्टेंट चीज समझने की ये है कि देखिए, एक तो एनर्जी आपके अंदर है, वो एनर्जी ऐसा आप किसी को हील करते हो तो नो प्रॉब्लम। आप उस आप जैसे अपने आपके बच्चे को चोट लग जाती तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, आप उसको हाथ रखते हो, ठीक है। तो एक्चुअली आप क्या करते हो, आपकी एनर्जी अनकॉन्शियसली आपकी एनर्जी आप उसमें ट्रांसफर करते हो, हीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो वो एक वे है, बट जैसे मैंने बोला उससे आपका एनर्जी रिजर्व ज्यादा, आप वो चीज करोगे दूसरों को हीलिंग दोगे वगैरह तो आपकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, आप बीमार पड़ने लगोगे, ठीक है, आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो रिस्क से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये यूनिवर्स में अबंडेंस है रीकी, रीकी एनर्जी हीलिंग एनर्जी का अबंडेंस है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने एनर्जी सिस्टम को उस केपेबल बनाना है कि आप उस एनर्जी को होल्ड कर सको। अब आप ऐसे समझो कि जैसे एक एसी का वायरिंग है, ठीक है, जैसे एक घर में आपने एसी लगाया, एक टेबल फैन है, टेबल फैन की वायरिंग नॉर्मल वायरिंग चलती है, लेकिन जो एसी की वायरिंग होती है, अब मैं इंजीनियर नहीं हूं बट जितना मैं, मेरे घर में भी एसी है तो एसी की वायरिंग अलग रहती है, मोटा वायर रहता है, ठीक है, वो उस, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है, अभी जैसे 10 वोल्ट का करंट है और 1000 वोल्ट का करंट है तो उसकी वायरिंग अलग रहती है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रीकी में सिंपल है, जब आप हीलिंग देते हो तो आपका कैसा रहता है, आपका क्राउन चक्र ओपन होता है, आपको एक बीम ऑफ एनर्जी आपके अंदर आती है, जो होली रेकी एनर्जी है वो आपके अंदर आके आपके बाहर हाथों से थोड़ा ऐसे फ्लो करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बराबर चैनल बनना जरूरी है, दैट इज आपकी जो अंदर की वायरिंग है ना, जैसे हमारी ये पूरी बॉडी अंदर 72,000 नाड़ियां, ये पूरी वायरिंग है, तो आपकी वायरिंग केपेबल है या नहीं उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी केपेबल नहीं होगी तो जैसे अभी एसी के वायरिंग में मैंने अगर नॉर्मल सादा वायर डाल के रखा है तो शॉर्ट सर्किट का चांस रहेगा। इसलिए पहले अट्यूनमेंट करने से आपकी पहले आपकी पूरी एनर्जी बॉडी को उस केपेबल बनाया जाता है। दैट्स वाई मैं जैसे बोलता हूं, मैंने एक अलग वीडियो किया है कि रेकी के इतने लेवल्स क्यों होते हैं। वो रेकी के लेवल्स इसलिए होते हैं कि जैसे जैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको ज्यादा एनर्जी चैनल करनी है, उतना आपकी केपेबिलिटी लेवल बढ़ता है। तो हर अट्यूनमेंट जब होता है तो आपको जब अट्यूनमेंट किया जाता है तो आपका क्राउन उतना वाइडन होता है, आपके चैनल्स उतने क्लियर किए जाते हैं ताकि उस ज्यादा एनर्जी को होल्ड करने की आपकी केपेबिलिटी हो, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। तो एक और चीज ये है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है रीकी में कैसा रहता है, अट्यूनमेंट क्या रहता है, इस अट्यूनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है, सामने वाले जो मास्टर रहता है उसका अट्यूनमेंट देने का इंटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैटर करता है। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए सामने वाले को अट्यून करने का, और जो रिसीवर, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो रिसीवर जो स्टूडेंट है वो उसका लेने का इंटेंशन, अट्यूनमेंट लेने का इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज मास्टर है वो स्टूडेंट को अट्यूनमेंट देने के लिए बैठा है, स्टूडेंट है वो लेना ही नहीं चाहता है, इट विल नॉट वर्क।
या फिर स्टूडेंट लेने के लिए बैठा है अट्यूनमेंट लेकिन मास्टर उसको अट्यूनमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, उस केस में भी अट्यूनमेंट नहीं कर। अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है अट्यूनमेंट विल वर्क फ्लॉलेसली, एकदम सही से काम करेगा 100% ऑफ द टाइम। ये अट्यूनमेंट आप इन पर्सन भी दे सकते हो किसी को, डिस्टेंस में भी अट्यूनमेंट उतना ही वर्क करता है बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में उससे ज्यादा बेटर वर्क करता है। ठीक है, तो अभी अट्यूनमेंट में होता क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा बहुत सीक्रेट प्रोसेस नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ अट्यूनमेंट में होता क्या। अट्यूनमेंट में क्या क्या होता है कि पहले तो मास्टर जो होता है वो क्या करता है, जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय मेरे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है बीटा स्टेट। ठीक है, बीटा में मतलब काफी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ब्रेन फ्रीक्वेंसी है। बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा मतलब एकदम डीप मेडिटेटिव स्टेट में ले गया। बिकॉज ये टाइम पे जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरा माइंड ब्रेन बीटा स्टेट में है, बीटा स्टेट में मेरी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी प्रोग्रामिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो थीटा स्टेट जो है सबसे बेस्ट स्टेट है फ्रीक्वेंसी माइंड की, सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो मास्टर टेक्स योर माइंड टू फ्रॉम बीटा टू अल्फा, अल्फा टू थीटा। थीटा स्टेट पे जब आपका माइंड जाता है तब वहां पे आपकी ब्रेन की बहुत अच्छे से रेकी लेवल वन या जो भी आपका रेकी है उस लेवल की एनर्जी से आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम कर देते हैं चलिए, लेकिन प्रोग्राम करने से पहले क्या किया जाता है, आपके सारे जो चक्रास हैं ये चक्रास में जब तक, देखिए ये सारे चक्रास में जब तक ब्लॉकेजेस रहेंगे तब तक एनर्जी फ्लो नहीं कर पाएगी। तो पहले सारे आपके चक्रास को एनर्जेटिकली क्लियर किया जाता है, सारे चक्रास में जो भी नेगेटिविटी है, फियर है, हेट्रेड है, वो सारे आपके चक्रास से क्लियर किया जाता है ताकि आप क्लीन चैनल बन जाओ। ठीक है, क्लीन चैनल जब तक नहीं बनोगे तो रेकी फ्लो नहीं कर पाएगी बराबर से। तो पहले आपके चक्रास क्लियर किए जाते हैं, फिर आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, फिर आपका अट्यूनमेंट के टाइम होता क्या है, शक्ति का प्रहार होता है। शक्ति का प्रहार होता है सबसे पहले आपका जो क्राउन चक्र है जो इतना खुला, एक नॉर्मल पर्सन का इतना खुला रहता है क्राउन जिससे एनर्जी डेली रिसीव करता है वो, तो क्राउन चक्र और वाइडन हो जाता है तो और ज्यादा एनर्जी आती है। ठीक है, आपका ये जो हरा लाइन है सुषुम्ना नाड़ी ये और वाइड होता है ताकि और ज्यादा एनर्जी आपके अंदर आ सके। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मास्टर जब अट्यूनमेंट करता है तो मास्टर का खुद का स्पिरिचुअल नॉलेज जो उसने आज तक और प्रीवियस लाइफ टाइम्स का कंबाइंड स्पिरिचुअल नॉलेज और उस मास्टर के लीनिएज के जो भी मास्टर्स हैं उन सभी का नॉलेज एक साथ आपके सबकॉन्शियस में अपडेट होता है। मतलब ऐसे सोचो कि बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई साधना किए, वो जो सारा नॉलेज है वो आपकी एक जीरोक्स कॉपी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद होगा क्या, जब भी आपको एक आपकी स्पिरिचुअल कुछ आपको क्वेश्चन होगा अपने आप उसको आपको स्पिरिचुअल आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के आंसर रेकी में आपको आगे कैसे बढ़े उस सब के आंसर्स आपको मिलने लगते। कैसे, बिकॉज वो जो नॉलेज है जो आपके मास्टर ने इकट्ठा किया है इतना प्रैक्टिस से और अपने पास्ट लाइफ टाइम से और आपके प्रीवियस मास्टर्स जो है उस लीनियज के मास्टर्स उन सबका नॉलेज ऑलरेडी सबकॉन्शियस में जाके अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये सब हो जाता है, आपकी कुंडलिनी अवेकन होने लगती है। वो जब नॉलेज आपका अपडेट जब जाता है, शक्ति का प्रहार होता है, तो वो जो कुंडलिनी होती है कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कुंडलिनी बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं अलग से कुंडलिनी पे वीडियो बनाऊंगा। कुंडलिनी जब तक अवेकन नहीं है वो इंसान नॉर्मल अपने लाइफ में जो भी है ना उसी में, मतलब एक जो कहते हैं ना सोता रहता है, सोता स्लीप वॉकर जिनको बोलते हैं। ठीक है, कुंडलिनी अपडेट होने जब एक्टिवेट होने से वो स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअल ग्रोथ उसका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे आपका कुंडलिनी एक्टिवेट है। सबसे इम्पोर्टेंट है एक चीज, आपके नॉट्स मेल्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे या आपके नेक के पीछे, तीन नेक के पीछे जो आपका रुद्र नॉट है, नेवल के पीछे विष्णु नॉट रहता है और मूलाधार के पास आप ब्रह्म नॉट होता है। तो जब बहुत ज्यादा शक्ति का प्रहार होता है ना तो ये तीनों नॉट्स मेल्ट हो जाते हैं। अब ये तीनों नॉट्स जरूरी नहीं है रेकी से मेल्ट हो, ये तीनों नॉट्स अगर आपने बहुत सालों की साधना, बहुत इंटेंस साधना, मेडिटेशन इस समय किया है तो आपका ये नॉट्स अपने आप मेल्ट हो जाते हैं। बट रेकी का फायदा मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बहुत सालों डेकेड्स की साधना करने के बजाय सिर्फ एक अट्यूनमेंट लेने से ये सारे नॉट्स मेल्ट जाते हैं। जब तक ये नॉट्स मेल्ट होंगे तब तक आप रेकी रिसीव करके आगे भेज नहीं सकते, चैनल नहीं बन सकते, और जब तक ये नॉट्स मेल्ट नहीं होते तब तक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो रेकी अट्यूनमेंट के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होनी, आप अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हो, अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अब रेकी के दौरान क्या होता है, अट्यूनमेंट करने के दौरान आपको अलग अलग चीजें हो सकती है, जैसे आपको पास्ट लाइफ के विजन्स दिखते हैं। जैसे लेवल थ्री में, थ्री ए जब मैंने किया था तो मुझे पास्ट लाइफ का विजन दिखा था कि मैं एक बच्चा, एक मॉन्क था, एक छोटा टिबेटन मॉन्क। ठीक है, वो सब मैंने अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक मैंने अलग वीडियो बनाया,
उसमें मैंने शेयर किया। तो आपको अपने पास्ट लाइफ की विजन्स दिख सकते हैं, आपको कलर्स दिख सकते हैं, आपको सेंसेशंस हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ भी नहीं हो। लाइक मैंने जब लीकी लेवल वन किया था, लीकी लेवल वन और टू में मेरे को कोई सेंसेशंस नहीं हुए थे। बट ऐसा मत सोचिए कि ये रीकी अटूनमेंट होता नहीं है, बहुत अच्छे से हर अटूनमेंट बहुत अच्छे से होता है। इट मे दैट मे बी कि आपको सेंसेशंस नहीं लगे, इट मे बी कि आपको कलर्स विजन्स वगैरह सब लगे, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, नाउ अट्यूनमेंट होने के बाद क्या होता है, अट्यूनमेंट से क्या होता है, आपके बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ जाता है, वाइब्रेशन लेवल। तो आपने जो भी इकट्ठा अच्छे से आपने इकट्ठा करके रखा है इतने इतने सालों से नेगेटिविटी वगैरह, अगर आपने बहुत सहेज के रखी है ना आपके अनकॉन्शियस में, या आपके पास्ट लाइफ टाइम्स के जो भी कार्मिक इश्यूज वगैरह आपने सहेज करके, वो उस हाई वाइब्रेशन से टूटने लगते हैं। बिकॉज नेगेटिविटी, जहां लाइट जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी टिक नहीं सकती, तो नेगेटिविटी टूटने लगती है। मतलब वो जो कैसे बोलते हैं, जो घाव रहते हैं ना, जो आपने अंदर दबा के रखे, आपका बहुत साल पहले सपोज कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया और वो घाव आपके अंदर है, वो सब घाव बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, अब वो बाहर, वो घाव जो बाहर निकल के आते हैं, वो घाव क्या बोलते हैं आपको कि ये मुझे क्लियर करो, मुझे इस घाव को सही करो। तो उसमें फिर हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली फिर क्या होता है, अटेनमेंट के बाद में आपको अलग अलग चीज होती है, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर कुछ लोगों को जैसा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको सपने में नाइटमेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं। ये सब बहुत अच्छा है, अगर हो रहा है तो अच्छा है, आपकी नेगेटिविटी क्लियर हो रही है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप ऑलरेडी उस लेवल पे हो कि मतलब आपको नेगेटिविटी उतनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये जब होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या एडवाइस करते हैं, पहले तो पानी अच्छा पीजिए, पानी के थ्रू वो सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते रहेंगे, और अपनी सेल्फ रिकी कीजिए। मतलब कैसा रहता है, ये 21 दिन कहते हैं, हर चक्र जो रहता है आपके चक्रास की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हर चक्र को 3 दिन लगते हैं हील होने में, तो 3 × 7 टोटल 21 डेज का सेल्फ हीलिंग हम लोग बोलते हैं, एक भी दिन का गैप नहीं। ठीक है, तो 21 डेज में आप बहुत अच्छे से उस यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाते हो, नेगेटिविटी को क्लियर कर, वो जो घाव, तो सेल्फ रेकी क्या करता है, वो जो घाव हो गए ना, खुला घाव खुल के आए, उस पर रेकी बाम की तरह काम करता है, उसको बहुत अच्छे से हील करता है, बाम की तरह हील करता है। तो ये अट्यूनमेंट मैं बोलूंगा बहुत ही सेक्रेड एक्सपीरियंस है, और ये अट्यूनमेंट आप ये मत सोचिए कि ये अट्यूनमेंट अगर आप करते हो तो ये सिर्फ एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, या आपको बहुत पास्ट लाइफ के बहुत कर्माज रहते हैं, जो गुड कर्माज रहते हैं, या पास्ट लाइफ में आप ऑलरेडी एक हीलर थे, तो आपको वो कर्माज का जो कंटिन्यूएंस में ये मिलता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है अट्यूनमेंट, रेकी से चैनलाइज होना। ठीक है, तो ये बहुत सीक्रेट चीज है, एक सेरेमनी रहती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है रेकी अट्यूनमेंट क्या होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।